एक बार राम नाम के एक युवक ने एक महान चित्रकार बनने का सपना देखा। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता था, अपने कौशल का अभ्यास और सुधार करता था। वह कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन वह अपनी पेंटिंग्स को वैसा नहीं बना पा रहा था जैसा वह चाहता था। एक दिन राम जंगल से गुजर रहे थे जब उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जो चित्र बना रहा था। बूढ़े आदमी की पेंटिंग बहुत सुंदर थी। राम ने अपने जीवन में इतनी सुंदर पेंटिंग कभी नहीं देखी थी और उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि वह इतने अद्भुत चित्र कैसे बना पाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, मेरे लड़के, यह आसान है। मैं अपने दिल और आत्मा से पेंट करता हूँ और मैं तुलिका को बाकी काम करने देता हूँ। राम उस दिन एक नए दृष्टिकोण के साथ घर गए। उसने चीजों को नियंत्रित करने की अपनी जरूरत को जाने देने का फैसला किया और दिल से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। नतीजतन उनकी पेंटिंग्स उनकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होने लगी। आप जीवन में देखते हैं कि कभी कभी महानता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को छोड़ दें और केवल अपनी प्रतिभा और क्षमताओं पर भरोसा करें। दोस्तों, आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आप कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक बटन पर क्लिक करें, साथ ही सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमसे और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।